बाद पूरी तरह से एक्टिव रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अधिकारियों से फोन पर बात की और पल पल की अपडेट लेते रहे। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या मसले पर आए फैसले का पूरे देश में स्वागत हो रहा है। सुबह से ही सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। जनता न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए थी। पुलिस और आला अधिकारी गलियों में घूम घूम कर सड़क पर उतरकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी थी जो शुक्रवार की पूरी रात सोई नहीं, जिसने पल पल की अपडेट ली, हर जिले के डीएम और पुलिस कप्तानों से बात की। अयोध्या पर फैसला कब आएगा, किस तारीख को आएगा, इसके बारे में शुक्रवार रात 9 बजे के पहले तक किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन नवंबर महीने के पहले दिन से ही सूबे के मुखिया कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आला अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे और लगातार जिलों से जानकारी लेते रहे। सीएम योगी ने बता दिया कि वो कर्मयोगी हैं। सुबह तड़के से ही योगी फिर एक्टिव हो गए और योगी आदित्यनाथ ने देर रात तक बैठकें करने के बाद सुबह से फिर बैठकें शुरू कर दी। डीजीपी, डिप्टी सीएम, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी के साथ साथ बड़े आला अधिकारियों के साथ भी बैठकें हुई। यहां तक कि योगी ने फोन पर भी अधिकारियों से स्थिति को लेकर हालचाल लिए। इसके बाद सबको चौंकाते हुए सीएम योगी अचानक डायल 112 के दफ्तर पहुंचे। सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि लापरवाही पर अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे और गैर जिम्मेदाराना, अमर्यादित और विवादित बोलने वालों, सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डायल 112 के दफ्तर में सीएम ने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के साथ साथ सभी डेस्क का खुद निरीक्षण किया। पूरे प्रदेश में माहौल शांत रहा, लोग सामान्य रहे। फैसला आने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट करके सभी से सद्भाव और आपसी प्रेम के साथ रहने की अपील की और वादा दोहराया कि प्रदेश सरकार राज्य में शांति और सद्भाव कायम रखने और प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी के क्विक एक्शन की पूरे प्रदेश में चर्चा रही और सभी ने सीएम योगी की खुले दिल से तारीफ भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।